हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील के शेयर की। दोस्तों, आज मार्केट के मज़बूत ओपनिंग के साथ इनमें भी मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन ये अपनी मजबूती होल्ड नहीं कर पाए और सारा दिन एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड किया। तो अब यहाँ पर निवेशकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमने आपको कहा था किसी भी बाउंस में इसे सेल करें, क्योंकि ये जब तक 185 तक नहीं आएगा तब तक इसमें गिरावट जारी रहेगी। चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं उनका इसके बारे में क्या सोचना है। दूसरी तरफ मैं टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स की बात करूं तो टाटा स्टील ने तो इनफैक्ट काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दिया। इनफैक्ट स्टॉक ने वन साइडेड डाउन साइड रैली देखी है, 107 रुपए से फिसलता हुआ स्टॉक इनफैक्ट 95 तक यहाँ पे गिर गया। तो ये छोटे छोटे बाउंसेस हैं मेटल काउंटर के अंदर जो यहाँ टेक्निकली मैं देख रहा हूँ। इट कुड बी डेड कैट बाउंस ऑल्सो। अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स, यहाँ पे ट्रैप होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेटल काउंटर से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, अगर एक बार बेस बिल्डअप होने दीजिए मेटल काउंटर के ऊपर तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं साइडलाइन लेने की सलाह दूंगा ओवरऑल मेटल काउंटर में से। और आपका आईटी पर क्या